subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर अपकमिंग वीक। तो यहाँ जैसे हमने कहा था कि यार रिकवरी रैली आएंगी, मेरा जो टारगेट था 16,200 का वो निफ्टी ने अचीव कर चुकी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है तो 16,225 पे बंद हुआ है लगभग 77 पॉइंट गेन के साथ। तो यहाँ हम देखेंगे मंथली चार्ट पे, तो इस महीने अभी निफ्टी दिखा रहा है लगभग 3% के गेन, लगभग 450 पॉइंट के गेन के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं फॉर द मंथ, और ये मंथ की स्टार्ट ही है। और यहाँ देख रहे हो आप चार्ट में, तो हमने 20 मंथ का जो एवरेज है वहाँ सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक दिखाया है। ऊपर की तरफ जो है तो 16,550 से लेकर 16,600 ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो है तो आप देखोगे कि इस चार्ट पे मंथली चार्ट पे निफ्टी जो है तो थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है, तो यहाँ लॉन्ग टर्म में एक करेक्शन ड्यू है। वीकली चार्ट देखते हैं अभी, तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे लास्ट वीक निफ्टी जो है तो लगभग 3% गेन के साथ बंद हुआ है। लो था लगभग 15,650 और हाई था लगभग 16,250, तो लगभग 350 और ये 250, तो लगभग 600 पॉइंट की रैली हमने ऑलरेडी देख चुके हैं निफ्टी में लोअर लेवल से। और ये क्लियरली दिखा रहा है कि निफ्टी जो है तो एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है ऑन टूवर्ड्स मेजर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है 16,600 का। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हमने 100 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बाउंस बैक दिया है। अभी हम बढ़ रहे हैं 20 और 50 वीक का जो एवरेज है उसके तरफ। और यहाँ वीकली चार्ट पे निफ्टी जो है तो ओवरसोल्ड दिख रहा है, अगर यहाँ हम सस्टेन करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रैली है ये आगे चल के कंटिन्यू भी हो सकती है और हम जो है तो ऊपर के अच्छे खासे लेवल निफ्टी में देख सकते हैं अगर हम 16,600 का लेवल क्रॉस करते हैं। तो यहाँ 16,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे क्रॉस करते हैं तो हम जो है तो 18,000 के लेवल की तरफ भी बढ़ सकते हैं अगर हम 16,600 का लेवल विद हाई वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ क्रॉस करते हैं। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है तो हम 20 डेज का जो एवरेज है उसको पार कर चुके हैं। अभी जो है तो ट्रेड कर रहे हैं 50 डेज का एवरेज के ऊपर, और ऊपर जो है तो 16,550 ये 200 डेज और 100 डेज का एवरेज है और उसको टच करने के लिए निफ्टी जा सकता है। उसको टच करने के बाद वहाँ से एक जो है तो करेक्शन भी आ सकता है और फिर से निफ्टी जो है तो फिर से 16,200 और 15,950 की तरफ एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ अगले वीक के लिए मेरा जो टारगेट रहेगा निफ्टी पे वो रहेगा 16,550 से लेकर 16,600 का, और नीचे जो सपोर्ट जोन है आपके लिए वो है 16,200 और उसके बाद में 15,950। अगर आपको सेफली बाय करना है तो 15,950, अगर आपको एग्रेसिवली बाय करना है तो 16,200। और मुझे लगता है कि 16,200 जो है तो तोड़ना इतना आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए, अगर वो टूटता है तो आपको वहाँ से एक शार्प सेल ऑफ 15,950 की तरफ देखने को मिल सकता है। मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से लास्ट क्लोजिंग आई है हम शायद फ्लैट खुलने के बाद जो है तो रैली करेंगे 16,600 की तरफ। तो 16,200 के ऊपर आपको बुलिश रहना है, अगर उसके नीचे जाता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप 15,950 का टारगेट भी लेकर चल सकते हो, बट आई विल प्रीफर मोस्टली ऑन लॉन्ग साइड। तो अगले वीक के लिए प्लान रहेगा 16,200 के ऊपर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी टारगेट। तो अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग का प्लान रहेगा 16,200 के ऊपर जो है तो बाय ऑन डिप्स रहेगा, 16,600 का टारगेट पकड़ के चलेंगे। और अगर थोड़ा सा नीचे के करेक्शन मिलता है 15,950 की तरफ तो भी हम जो है तो बाय करके ही चलेंगे यहाँ, और करेक्शन मिलता है तो भी हमारा जो है तो 15,950 के अराउंड बाइंग का ही प्लान रहेगा। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स ही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है और टारगेट जो रहेगा सभी लेवल्स के लिए वो 16,650 और 600 रहेगा। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उन्हें सलाह रहेगी कि आपको जो है तो डिप्स पे 16,200 का जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी उस पर फोकस करना है मंथली एक्सपायरी का। और यह एक यूरो टू जीरो भी ट्रेड बनता है जो है 16,600 का कॉल ऑप्शन, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, मगर उसमें हाई रिस्क रहेगी और वो
अगर इस एक्सपायरी तक जो वीकली एक्सपायरी है तब तक 16600 को नहीं गया तो वो जीरो भी हो सकता है, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, या फिर एक लॉन्ग स्प्रेड भी बना सकते हो रिस्क कम करने के लिए, 16600 का कॉल ऑप्शन बाय करके 16700 या 16800 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हो वीकली एक्सपायरी का, वो भी आप एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। तो यह मोस्टली लॉन्ग साइड पे भी रहेगा, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी, और जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे 16550 16600 के अराउंड फॉर द वीक। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन कॉल चाहिए तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।